Hello guys, I am here with you with this new video of semiconductor, which will be very helpful for you for the upcoming JEE mains and medical exams. तो हम इसमें जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसमें शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. उसको स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं इसको. तो सबसे पहले इसमें आता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. हम सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स को उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग दो बैंड में बांट देते हैं. एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा तो ये फ्री नहीं होगा और कंडक्टिविटी में कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा. और लेकिन जब इसको एनर्जी मिलेगी और ये जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले करेगा. और इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप. तो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप. तो जो मेटल्स में देख सकते हैं जो मेटल्स में जीरो होता है मतलब ये दोनों बैंड कंडक्शन और वैलेंस आपस में ओवरलैप्ड हो रखे हैं. तो यहाँ एनर्जी गैप कुछ नहीं चाहिए होता. बहुत कम एनर्जी पे भी ये जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले कर लेते हैं. सेम इंसुलेटर में देखें तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है क्योंकि हम जानते हैं कि लेस कंडक्टिव होता है. तो इसमें एनर्जी गैप 3 eV से ज़्यादा होता है. तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको. और फॉर सेमीकंडक्टर्स दिस एनर्जी गैप इज लेस देन 3 eV. तो लेस देन 3 eV होता है मतलब ये इससे कम एनर्जी भी देंगे तब भी ये जंप कर पाएंगे और कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले कर पाएंगे. और फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 eV. से वैल्यू याद रखनी है आपको. ये सारी पूछी जा सकती है एग्जाम में. तो उसके बाद देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के टाइप कितने होते हैं. तो दे आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. पहला इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो दे आर प्योर सेमीकंडक्टर्स विच बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन. इसका मतलब ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है जो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करता है 0 केल्विन पे. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करने शुरू करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में. हमारे पास ये लैटिस है तो सिलिकॉन है. क्या 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट तो 4 बॉन्ड बन गए इसके. सिमिलरली इसके भी 4 होंगे इस लैटिस में. लैटिस बहुत बड़ा है. तो जब हम इसको हीट देंगे बगैर हीट के 0 केल्विन पे ये कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. लेकिन जब हम हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे इस कंडक्शन बैंड में और पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन में. सिमिलरली जब ये जंप करेंगे तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा. तो होल इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप किया यहाँ होल बन गया और इस होल को हम बोलते हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में ये पॉजिटिव चार्ज है. तो एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर मोर कंडक्टिव एंड एट 0 केल्विन दे आर लेस कंडक्टिव. कोई कंडक्टिविटी नहीं होती. तो हम क्या करते हैं इसमें हम सेकेंड टाइप इसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हमें कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें कुछ डोपिंग करते हैं. डोपिंग मीन्स हम कुछ और ऐड करते हैं किसी और ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए. तो इम्प्योरिटीज आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर. मतलब हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे किसी और ग्रुप के एलिमेंट ऐड करेंगे ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए. दो टाइप्स होते हैं इसके. पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. व्हेन ए पेंटावेलेंट डोनर एटम इज एडेड टू टेट्रावेलेंट एटम. इसका मतलब जब हमने कुछ फास्फोरस टाइप एटम ऐड किया टेट्रावेलेंट सिलिकॉन में तो जो बना उसे बोला हमने एन टाइप. इसमें ऐसा होगा पी ऐड किया. पी में जानते हैं आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 तो बॉन्ड बन गए सिलिकॉन से इसके और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया लैटिस में. तो ये इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा है. तो जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे उतने ही होल्स हैं. होल्स में बात करते हैं बॉन्ड में हम. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स हैं क्योंकि जब ये जंप करेंगे तो यहाँ होल बनेगा. सिमिलरली ये जंप करेंगे तो यहाँ होल बनेगा. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है. एक फॉस्फोरस के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. ऐसे इस लैटिस में बहुत सारे फॉस्फोरस एटम होंगे डोपिंग की वजह से तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स एंड हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. सिमिलरली हम देखते हैं आगे पी टाइप में. पी टाइप में क्या होता है. पी टाइप में एक ट्राइवेलेंट एटम ऐड करते हैं हम एक टेट्रावेलेंट में. मतलब हमने एक एटम ऐड किया एल्युमिनियम जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और सिलिकॉन में ज़्यादा है. तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा ये. ऐसे एल्युमिनियम में देखें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए लेकिन एक खाली रह गया. तो यहाँ पे एक होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से. ये इलेक्ट्रॉन्स तो है ही और ये जाएगा तो होल बनेगा. लेकिन इस स्पेस में ना इलेक्ट्रॉन है सिर्फ होल है. तो यहाँ पे होल ज़्यादा है एक एल्युमिनियम की कॉरस्पॉन्डिंग. तो इस पूरे लैटिस में जितने भी एल्युमिनियम होंगे उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक होल ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में. तो यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा. एंड होल्स आर हेयर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. दो टाइप है. हमने देखा कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है. एन टाइप में होल ज़्यादा है होल मेजोरिटी कैरियर्स. उसके बाद कुछ पॉइंट्स याद करने वाले इसमें.
कि पी एंड एन टाइप बोथ आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, मतलब कि हम जानते हैं कि पी में हमारे पास है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, और दोनों ही न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा एटम तो ओवरऑल। हालांकि इसके लैटिस में इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है तो ये न्यूट्रल एटम ही है। सिमिलरली एन में फॉस्फोरस सिलिकॉन है तो ये भी न्यूट्रल है। कंडक्शन इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एट होल, मतलब यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे। और होल्स आर लेस मोबाइल देन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल्स जो है वो उसकी मोबाइलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, उसको हम समझ सकते हैं इस पिछले डायग्राम से ही कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तभी तो होल बनेगा, और ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा तो ये न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस की फोर्सेस से दूर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा फ्री हो जाएगा कंडक्शन में। लेकिन जो होल्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाउंड है, ज़्यादा बाउंड है तो इनकी मोबिलिटी भी कम होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन दूर है इनकी मोबिलिटी ज़्यादा और होल्स की मोबिलिटी कम। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स का तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, या फिर मोबाइल ज़्यादा मोबाइल हो गया और होल्स की मोबिलिटी कम हो गई। अब हमारे पास एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में आया था। दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू इज मोबिलिटी इंटू ई चार्ज प्लस एन एच जो होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स म्यू एच हो गया, मोबिलिटी ऑन ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो आपको ये सारी वैल्यूज दी होंगी, आपको कंडक्टिविटी निकालनी होगी, हम देखेंगे इसको आगे क्वेश्चन हमारे पास है इसके। उसके बाद देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास लेके आते हैं तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो उसमें होता क्या है कि हम जानते हैं कि पी में होल ज़्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जब हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा और इसके पास जाएगा पॉजिटिव, सिमिलरली ये पॉजिटिव भी यहाँ आएगा, तो जब दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे आपस में तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। और जैसे ही हमने देखा कि सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन पास वाले होंगे यहाँ पे इस पी टाइप के वो यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ जो होल्स होंगे पास वाले वो यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे, तो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब ये एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक, सिमिलरली इस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे, जो इस होल को यहाँ नहीं आने देगी, क्योंकि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पे वो होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इस पे इधर ही है तो ये इधर तो आ ही नहीं पाएगा। हालांकि एक आधा इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पहुंच सकता है क्योंकि अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को देखें तो इस पे जो फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू क्यू ई से क्यू नेगेटिव है, फोर्स इस तरफ होगी तो ये इधर नहीं जा पाएगा जल्दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस बैरियर को क्रॉस करना बहुत टफ हो जाएगा। सिमिलरली इस होल के लिए भी इस बैरियर को क्रॉस करना बहुत टफ हो जाएगा, तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगा या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे या कुछ होल जा रहे होंगे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन वो बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं उसको। तो ये एक यहाँ पे बैरियर बन गया। तो यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, पहला होता है डिफ्यूजन करंट, दिस करंट फ्लोज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी टाइप, इन दोनों में कंसंट्रेशन जो थे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की उसके डिफरेंस की वजह से जो करंट है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, सो याद रखना। उसके बाद देखते हैं पोटेंशियल बैरियर, इट इज द बैरियर विच डज नॉट अलाउ चार्ज फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, जो बैरियर बन गया इसको हमने बोला पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसको, इसको हम डिप्लेशन रीजन ही बोलते हैं, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर फर्दर मूव नहीं कर पा रहे यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो सिलिकॉन के लिए लगभग होता है 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट्स, इनका डिफरेंस हमने ग्राफ प्लॉट किया है पोटेंशियल का, ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज एक ग्राफ ऑफ पोटेंशियल जो बढ़ता आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इतनी थ्योरी है इसमें, तो आगे चलते हैं। उसके आधार पर इसमें फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने देखा कि कुछ टाइम बाद जब डिफ्यूजन के बाद करंट फ्लो होना बंद हो गया, आपस में एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे थे, तो हमने इसको करंट फ्लो करवाने के लिए हमने इस कनेक्ट किया इसको बाइसिंग की, बाइसिंग मतलब बैटरी अप्लाई करना, बैटरी अप्लाई करी, पी को कनेक्ट किया हमने पॉजिटिव से, एन को किया हमने नेगेटिव से अप्लाई, तो इससे हुआ क्या, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरफ थी पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो हमने लगाई वो इस तरफ लगाई, तो नेट जो डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इधर कुछ हो जाएगी या इधर हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो बैरियर की विड्थ भी कम हो गई, इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर सकते हैं यहाँ से वहाँ बहुत कम एनर्जी के साथ। सिमिलरली ये होल्स भी बहुत ईजिली जंप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ बहुत कम एनर्जी के साथ, क्योंकि ये डिफरेंस कम हो गया। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये इस होल को इधर रिपल करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर रिपल कर रही है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाएगी इससे
तब ये होल्स यहाँ क्रॉस कर पाएंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिपेल कर रहा है तो ये भी इसे क्रॉस कर पाएंगे। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रहा है इसको इस तरफ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है हम एक्सटर्नल, तो ये इधर क्रॉस कर पाएंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। पहला तो ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर से पॉजिटिव रिपेल कर रहा है इस पॉजिटिव को, इस नेगेटिव रिपेल कर रहा है इस नेगेटिव को, तो बैरियर की हाइट भी कम हो जाएगी। हाइट कम हो जाएगी तो डिप्रेशन रीजन कम हो जाएगा, जिन कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन इजिली क्रॉस द बैरियर, तो डिफ्यूजन करंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब वो इजिली डिफ्यूज कर पाएंगे क्योंकि ये बैरियर की विड्थ कम हो गई है। उसके बाद देखते हैं रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में क्या होता है? रिवर्स बाइस में इसका रिवर्स होता है बिल्कुल। हम कनेक्ट करते हैं पी को नेगेटिव से, पी को एन से करते हैं, एन को करते हैं पी से, तो हमने उल्टा कनेक्शन कर दिया इसमें। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस तरफ बैरियर की वजह से, और जो हमने अप्लाई करी पॉजिटिव नेगेटिव वो भी इस तरफ करी, तो नेट जो फील्ड थी वो एड हो गई ई प्लस सी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। इलेक्ट्रिक बढ़ गई तो मतलब ये जो बैरियर का वोल्टेज है ये वोल्टेज भी बढ़ गया, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना और टफ हो जाएगा इसको। सिमिलरली इन होल्स को भी बैरियर क्रॉस करना और टफ हो जाएगा, तो डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ गया इसके, और करंट जो है वो और कम हो गया, तो करंट बहुत कम हो गया। तो दिस इज रिवर्स बाइस। इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके बाद भी क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉस अ जंक्शन एंड दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसके बाद भी हम जो बात कर रहे हैं अभी वो तो बात कर रहे हैं मेजोरिटी की, लेकिन कुछ होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर पा रहे, क्योंकि हमने देखा पॉजिटिव पी में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन भी इस नेगेटिव से रिपेल होंगे तो वो फर्दर इसको क्रॉस कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू बढ़ दी जाए तो। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव है ज़्यादा एन में यहाँ, लेकिन पॉजिटिव भी है माइनॉरिटी में, तो वो भी क्रॉस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी एक करंट आ सकता है, क्योंकि हम जो बात करते हैं मेजोरिटी की, लेकिन माइनॉरिटी भी तो है यहाँ पे, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा माइनॉरिटी को, ये नेगेटिव यहाँ की माइनॉरिटी रिपेल करेगा, तो इसे क्रॉस कर सकते हैं वो। उनकी वजह से भी जो करंट कुछ फ्लो हो सकता है, लेकिन वो करंट बहुत कम होता है, वो करंट लगभग माइक्रो एम्पेयर में होता है, लेकिन जो यहाँ करंट फॉरवर्ड वाइज में वो मिली एम्पेयर में होता है, हम देखेंगे इसको आगे। तो ये इसकी थ्योरी है, इसको आप याद रखना कि यहाँ पे रीजन कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ गया, यहाँ पे रीजन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट कम हो गया, तो ये हमारे पास अच्छा है, हम इसी को यूज़ करते हैं। डायोड को हमेशा फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें करंट ही चाहिए। उसके बाद इसके दो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आईवी ग्राफ है हमारे पास। पहला है फॉरवर्ड बाइजिंग का, वो ये वाला है कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ाते गए, तो जब तक वो बैरियर को ओवरकम नहीं करेगा तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, लेकिन एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाएंगे बैरियर से, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आफ्टर विच करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायोड। जो सिलिकॉन के लिए देखा था हमने होता है 0.7 वोल्ट, याद रखना, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, दिस इज कॉल्ड। उसके बाद करंट बढ़ता जाता है और करंट इंक्रीज ही होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बाइजिंग। सिमिलर रिवर्स बाइज में क्या होता है, रिवर्स बाइज में देखा हमने यहाँ मिली एम्पीयर में करंट है, तो करंट फ्लो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन जो माइनॉरिटी की वजह से कुछ करंट आ सकता था वो करंट लगभग जीरो ही होगा, लेकिन वो माइक्रो एम्पीयर में कुछ हो सकता है करंट की माइनॉरिटी क्रॉस करने लग जाए बाद में, और कुछ टाइम बाद ये करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ब्रेकडाउन डायोड का हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। उसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जीनर डायोड की, ये ब्रेकडाउन कैसे होता है और क्या होता है। तो हमें इसमें अभी जो पढ़ना है फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ना है, क्योंकि हम डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में ही यूज करते हैं। इसके बाद दो फॉर्मूले हमारे पास, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। हम आईवी ग्राफ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस होता है वी बाई बाई ओम्स लॉ, तो किसी पॉइंट पे हमको एक ग्राफ दे रखा होगा, वहाँ एक वोल्टेज दे रखा होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट रखा होगा, तो हम अगर डिवाइड कर दें वी बाई तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक वोल्टेज। उसके बाद आता है एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। सिमिलरली हमें अगर किसी दो पॉइंट दे रखे हो और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो ग्राफ में और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो करंट दे रखे हो और डिफरेंस निकाल सकते हैं इसका हम डेल्टा आई, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू चेंजिंग फॉरवर्ड करंट। जो हम करंट बदलते हैं तो रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये होता है डेल्टा वी, डिफरेंस दोनों पॉइंट का, अपॉन डेल्टा आई। फॉर्मूले दोनों याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी आया था रिसेंट ईयर में। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। तो पहला है इसमें कि हमें चेक करना है इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बाइस है, तो ये देखते हैं पी कनेक्ट होता है पॉजिटिव से होना चाहिए, एन होना चाहिए नेगेटिव से, यहाँ पे पी कनेक्ट है नेगेटिव से, एन है पॉजिटिव से, रिवर्स बाइस गलत हो गया। इसको देखते हैं पी कनेक्ट है पॉजिटिव से, एन कनेक्ट है नेगेटिव से, तो बिल्कुल सही हो गया, दिस इज फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे पी कनेक्ट है -3 से, एन कनेक्ट है -3, दोनों ही गलत है, तो दोनों इक्वल है तो कुछ भी बाइजिंग नहीं हुई, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। सिमिलरली यहाँ पी कनेक्ट है पॉजिटिव से लेकिन एन कनेक्ट है उससे ज्यादा पॉजिटिव से, 4 है, तो ये फिर से रिवर्स बाइज हो गया क्योंकि एन का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन 2014 में आया था, उसके बाद 2007 में क्वेश्चन आया था ये वाला। इसमें एक इनपुट वोल्टेज था -5 था, फिर वो 5 हो गया, फिर वो 5 हो गया, फिर वो 0-5 हो गया वापस। तो ये डायोड है हमारे पास जो रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ डायोड बनेगा एक, दिस इज डायोड,
जो हम इनपुट देंगे इसको, ये आउटपुट है जो मेजर करेंगे यहाँ पे लोड के अक्रॉस, इनपुट देंगे, जब इनपुट नेगेटिव होगा माइनस फाइव से जीरो तक तो इधर रिवर्स बाइस रहेगा, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा ही नहीं, लेकिन जब भी पॉजिटिव चढ़ना शुरू होगा करंट, तो करंट फ्लोना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे करंट स्टार्ट होगा तो यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा हमको, वो मिलेगा इस जीरो के बाद जब भी फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी, वोल्टेज मिल जाएगा, तो उसका ग्राफ प्लॉट करना है हमको आउटपुट का। आउटपुट का ग्राफ देख सकते हैं, पहला ग्राफ है कि स्टार्टिंग में करंट जीरो, फिर पाँच वोल्ट हो गया, बिल्कुल पाँच वोल्ट होना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा हमको। बेस्ट सुटेबल ग्राफ देखना है हमको। उसके बाद ये लिखा है जीरो, फिर दस हो गया, दस तो हो नहीं सकता कि हमने जब वोल्टेज ही पाँच दे रखा है मैक्सिमम अप्लाई, यहाँ तो फ्लो करेगा ही नहीं, तो जब पाँच दे रखा है तो होगा ही नहीं। यहाँ करंट नेगेटिव में, वोल्टेज की नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव क्यों मिलेगा, डायरेक्शन तो सेम ही होगी इसकी, ये दोनों होंगे ही, तो इन दोनों से एक हो सकता है, दस तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन साथ में आया था बिल्कुल। तो क्वेश्चन आते रहते हैं इस पर डायोड के फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग पे, क्या एक क्वेश्चन और है इसमें, सर्किट दे रखा है हमको दो डायोड से और दो टर्मिनल से ए बी, 2015 में आया था ऑनलाइन में। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी व्हेन, केस वन दे रखा है, पॉजिटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू ए, मतलब जब हम ए को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, केस टू में हम पॉजिटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू बी कनेक्ट करेंगे बी से। तो हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया इसका, कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को ए से, उसमें कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव को बी से, तो हो गया जब हमने ये कनेक्ट किया है तो ये वाला डायोड पी कनेक्ट हुआ एन से, एन कनेक्ट हुआ पी से, रिवर्स बाइस, तो हमने क्रॉस लगा दिया बिकॉज दिस इज रिवर्स बाइस, तो करंट फ्लो करेगा नहीं, सर्किट आउट हो गया, बेकार है। ये पी कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एन कनेक्ट किया नेगेटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस करंट फ्लो करेगा, करंट कितना होगा 2/5, तो 2/5.4 वोल्ट आ गया इसका आंसर, क्योंकि हमें ये दे नहीं रखा कि सिलिकॉन है या फिर जर्मनी में, तो यहाँ पर ड्रॉप लेंगे नहीं, लेकिन अगर दे रखा होता तो यहाँ पर ड्रॉप लेते 0.7 या 0.3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो ड्रॉप लेके चलेंगे कि, तो 2/5 तो 0.4 आ गया। सिमिलरली यहाँ देखें तो पी कनेक्ट है इसके पॉजिटिव से, एन कनेक्ट है इसके नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड हो गया, पी कनेक्ट है इसके नेगेटिव से, एन कनेक्ट है इसके पॉजिटिव से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस, तो यहाँ करंट तो होगा ही नहीं, करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो करंट ये सीरीज में पूरा, फिर से ये कोई डायोड ड्रॉप नहीं यहाँ पे, तो 2/10 ये आ गया 0.2, तो इसका 0.2 इसका 0.4, ऑप्शन जो है मतलब बी ऑप्शन से हो गया, बिल्कुल बेसिक है। आगे चलते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन ईएम वेव ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन दिस इज इंसिडेंट ऑन इट, फाइंड द एनर्जी बैंड गैप। अब हमने देखा कि जब वो इलेक्ट्रॉन, जब ईएम वेव की वेवलेंथ इतना स्ट्राइक किया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब उसको वो एनर्जी गैप मिल रहा है इस वेवलेंथ से, तो यही वेवलेंथ जो देगी वो एनर्जी गैप प्रोवाइड करेगी, तो एनर्जी निकाल लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, हम जानते हैं एच सी लैम्डा, एच सी की वैल्यू होती है 1242 ईवी में, ये फॉर्मूला याद रखना उसको अपने पढ़ा हुआ एटम न्यूक्लियर में, तो 1242 ईवी में अगर हम लैम्डा पुट करते हैं नैनोमीटर में तो ईवी मिल जाएगा हमको, ईवी में आंसर चाहिए, तो लैम्डा पुट कर दिया 2480, तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 या फिर 0.5 ईवी आ गया, ऑप्शन फोर से हो गया, बिल्कुल इजी था। उसके बाद देखते हैं, द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डेट ऑफ होल इन सेमीकंडक्टर इज 7/5, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस दे रखा है हमको 7/5 है हमारे पास, एनई बाय एनएच, द रेशियो ऑफ करंट दे रखा है 7/4, देन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट लॉस निकालना है, तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला, करंट ने पढ़ा था हमने I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी और I इज इक्वल टू ए एन एच वी, रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, एनई बाय एनएच दे रखा है हमको 7/5, एरिया कैंसिल, ई वी कैंसिल, VDIVS निकालना ही है, आई बाई रखा 7/4, डिवाइड कर दिया 7 से कैंसिल, तो 5/4 आ गया VDIVS, तो क्वेश्चन 2006 में आया था, बहुत बेसिक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन 2002 में आया था, बहुत बेसिक है, एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज, जानते ही है, पढ़ा था अभी कि एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिकॉन कोई कंडक्टिव नहीं होती, तो इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर, ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका, बेसिक था। आगे देखते हैं, स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर जर्मेनियम आर, ये मेटल हो गए नॉन मेटल हो गए, आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, मतलब हमने इसे कूल किया है, कूल किया है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस से फर्क क्या पड़ेगा, तो हम देखते हैं, ये सेमीकंडक्टर है, तो जो हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन हमने यहाँ रिवर्स किया, कूल किया है, कूल करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी और कम होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ये हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सिमिलरली कॉपर एक मेटल है कंडक्टर, तो हम जानते हैं कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कॉपर का, क्योंकि मेटल है, और जर्मेनियम का बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी से हो गया, ये बेसिक था बिल्कुल। आगे चलते हैं, 2003 में आया था मेंस में, एक क्वेश्चन ये भी 2003 में आया था, When PN junction is forward biased,
तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बट भी कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन पूछा हुआ है, बोथ बैरियर रीजन एंड बैरियर हाइट दोनों सेम बात है, वो कम हो जाएंगे। सही बात है कि बैरियर रीजन भी कम हो जाएगा और बैरियर की हाइट भी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, इसको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर चलते हैं उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कंडक्टिविटी के ऊपर, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन दे रखी है हमको एनी, होल कंसेंट्रेशन दे रखी है एनएच, मोबिलिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन के होल्स की म्यू ई और म्यू एच दे रखा है हमको, हमें निकालना है कंडक्टिविटी। हमें फॉर्मूला पता ही है, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ब्रैकेट में ई चार्ज के इलेक्ट्रॉन का, पुट कर दिया एन ई म्यू ई, एन एच पुट कर दिया, म्यू एच पुट कर दिया, ई बताया 1.610 की और -19 सब पुट कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा 1.68, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी जब भी बोला होगा होल इलेक्ट्रॉन की आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसी तरह तो 17 में आया था ऑनलाइन में, रिसेंट का क्वेश्चन ही है। आगे चलते हैं, तो 18 में क्वेश्चन आया था मेंस में वाला, फाइंड द करंट। तो 3 वोल्ट की बैटरी है, सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन दे दिया हमें, सिलिकॉन दे दिया तो हमें यहाँ पे ड्रॉप लेना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं बाइसिंग कैसी है, पी को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एन को किया नेगेटिव से, तो कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, हमें यहाँ ड्रॉप भी लेना पड़ेगा। सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट याद रखना, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो 3 में से लगा लेते हैं केवीएल, 3 -0.7 यहाँ ड्रॉप हो जाएगा -200 I, हमने केवीएल लगा लिया तो इक्वल टू 0, तो I आ गया 3 -0.7 2.3/200, ये आ गया 1.35 mA। तो उसका ऑप्शंस नहीं है बस, ऑप्शन आप डालोगे तो चेक कर लोगे, 18 में आया था तो 1.35 वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका, बेसिक था बिल्कुल। आगे देखते हैं, ए सॉलिड विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट व्हिच कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ साथ, तो क्या हो सकता है। सेमीकंडक्टर पढ़ा है हमने अभी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ साथ, और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग एक्चुअली में क्वेश्चन केमिस्ट्री का थोड़ा था, सेमीकंडक्टर में जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है, वो बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था 2003-04 में आया होगा, तो इस तरह क्वेश्चन अब नहीं आते वैसे, फिर भी याद रख सकते हैं, सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, ऑप्शन बी का सही हो जाएगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया इसको कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो सेमीकंडक्टर ही हो सकता है। आगे चलते हैं, इफ द लैटिस कॉन्स्टेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लैटिस कॉन्स्टेंट कम कर दिया, लैटिस कॉन्स्टेंट मतलब होता है कि डायमेंशन, हमने उसकी डायमेंशन कम कर दी, जो क्यूब बना हुआ है उसकी डायमेंशन कम कर दी, तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्शन बैंड के विड्थ पे, वैलेंस बैंड के विड्थ पे और एनर्जी गैप पे। तो जैसे ही हम लैटिस कॉन्स्टेंट कम करेंगे, लैटिस कॉन्स्टेंट में हमने उस जो भी स्ट्रक्चर था उसका लैटिस का, उसको डायमेंशन कम कर दी, तो डायमेंशन कम करते ही क्या होगा, डायमेंशन कम करते ही वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, अब जंप करना इलेक्ट्रॉन को बहुत टफ हो जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो एनर्जी जो गैप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इजिली जंप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपस में जब क्लोज आने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, और वो जो पास पास आ गए तो उनके बीच में जो वैलेंस बैंड की विड्थ है वो भी बढ़ जाएगी, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने स्पेस में, और यहाँ भी ज़्यादा होगा, तो एनर्जी गैप कम हो गया और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बढ़ गया, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाइंड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराना बहुत टफ हो गया, तो ई सी एंड ई वी डिक्रीजेज एंड एनर्जी गैप इंक्रीजेज, ऑप्शन सी सी हो गया इसका। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, आगे चलते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन है डायोड के ऊपर, और भी क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इसी टाइप के, तो हम देख सकते हैं इसमें, तो इसमें आप यही चीज़ याद रखना बस, कि अगर आपको डायोड में कोई वोल्टेज मेंशन नहीं है तो आप 0 ले लो, और मेंशन है तो 0.7 या 0.3 अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। आगे चलते हैं जीरो डायोड, अब जीरो डायोड क्या होता है, तो हमने देखा कि जो अभी तक नॉर्मल डायोड्स थे वो डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में तो काम कर रहे थे, रिवर्स बाइजिंग में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो हम जीरो डायोड बनाते हैं इसके लिए। अब ये होता क्या है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, ये तो पी हो गया, हमने एन के बदले जेड बना दिया है जो जीनर का सिंबल है, तो इसको हम बोलते हैं जीनर डायोड, ताकि अलग दिखे, ये जो सिंपल डायोड से, तो हमने दोनों डायोड ड्रॉ किए, ये डायोड हो गया सिंपल वाला और ये हो गया जीनर वाला, समझते हैं इसको क्या क्या होता है। अब होता क्या, डिफाइन पहले करते हैं इसको, इट इज स्पेशली डिजाइन डायोड विच इज यूज टू ऑपरेट इन रिवर्स बाइज कंडीशन, मतलब ये एक डिजाइन डायोड है स्पेशली जिसको हम रिवर्स बाइज कंडीशन में यूज करते हैं। इसमें हम करते हैं क्या, इसमें हम डोपिंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्या रखना है इसको आप, इसमें हम डोपिंग ज्यादा कर देते हैं, मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, तो जब डिफ्यूजन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ होल जंप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा,
तो बहुत जल्दी ही ये कम स्पेस में ही उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे तीन नहीं है, ये बहुत सारे हैं, तो ये बहुत जल्दी जंप कर जाएंगे कम स्पेस से ही, तो उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखा हमने, यहाँ पे बहुत कम स्पेस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गए, यहाँ से यहाँ होल जंप कर गए, तो बहुत कम स्पेस में ही उतना वोल्टेज बन गया जितना यहाँ पे ज्यादा स्पेस ज्यादा जंप करने की बात बनता है। यहाँ पे लेट्स वो चार लेयर ने जंप किया, तो यहाँ पे दो लेयर जंप करके ही उतना वोल्टेज बना लेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे कम डिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज बन गया। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है डेल्टा V बाय D, तो D तो कम स्पेस में हो गया, डेल्टा V तो सेम ही है क्योंकि उतने ही जंप किए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चार लेयर ने जंप किया, 10 इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ पे दो लेयर में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे डेल्टा भी सेम है और डी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होती है इसके बीच में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ भी इसका कुछ निकल के वैसे ही आता है रिवर्स वाइज में, बस यहाँ पे जीनर जो वोल्टेज है ब्रेकडाउन का वो पहले आता है, और जो सिंपल डायोड में वो ब्रेकडाउन वोल्टेज बाद में होता है। तो अब ब्रेकडाउन होता कैसे है तो देखते हैं इसको। इसमें होता क्या है, जैसे ही हम ये वोल्टेज लगाएंगे और हम अपना रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो हुआ क्या कि इस ये नेगेटिव जो है वो यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हम जानते हैं कि रिवर्स वाइज माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, इन माइनॉरिटी कैरियर को रिपल करेगा, यहाँ से रिपल करेगा, तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा ये रिपल करता जाएगा इसको। तो जब रिपल करेगा तो रिपल करके ये यहाँ पे इस रीजन में आएगा, और यहाँ भी लैटिस है, सिलिकॉन के पास यहाँ बॉन्ड्स होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पास, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा और हाई एनर्जी जंप करेगा तो किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा आगे, जैसे स्ट्राइक करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, तो फ्री होके वो इधर निकल जाएगा तो वो कंडक्शन बन जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर से वो निकलते जाएंगे, तो वो इन बॉन्ड्स पे जाके इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही जाएंगे और ज्यादा ज्यादा रेट से। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा फ्री होते जाएंगे, तो फाइनली एक टाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड सारे, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो जंप यहाँ से टूटा वो किसी और पे स्ट्राइक करेगा, तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसकी वजह से हीट निकलेगी, वो हीट इस डायोड को डैमेज कर देगी, तो डायोड में करंट फ्लो हो गया लेकिन वो डायोड डैमेज हो गया क्योंकि हीट की वजह से, इतनी हीटिंग हो गई यहाँ पे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ के सिलिकॉन पे आके जंप किया इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री वाला हीट निकली, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जंपिंग होती रहेगी, करंट फ्लो होता रहेगा कॉरस्पॉन्डिंगली, तो करंट फ्लो हो गया लेकिन वो डायोड खराब हो गया, डायोड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हीटिंग हो जाती है, इसलिए हम इसको रिवर्स बाइज में यूज नहीं करते। इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डायोड, जीरो डायोड में फर्क ये होता है कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकले यहाँ से, तो यहाँ पे इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अकॉर्डिंगली, और हमने यहाँ भी स्ट्रांग लगा रखी है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे स्ट्राइक करता है जाके, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही हैं, लेकिन साथ के साथ इन जो एटम्स है सिलिकॉन के, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये लूज कर देते हैं अपने बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से लूज हुआ, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लगा रखा है हमने, ये इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, और ये ब्रेकडाउन उससे कम वोल्टेज पे हो जाता है क्योंकि ये बहुत पास पास है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होता है जीनर में, तो ये कम वोल्टेज पे चल जाता है और इसका खराब हो जाता है। तो कुछ चीज याद करने वाली है इसमें, बाकी डिटेल में थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा, तो हम शॉर्टकट में देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे जो हुआ ये कंडक्शन वो हीट की वजह से हुआ, हीट फ्लो लग गई, इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो बहुत जल्दी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि इन बॉन्ड में, इन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है इनको ये इस फील्ड की वजह से इधर पुश होंगे, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन ये भी निकल रहे हैं माइनॉरिटी वाले, वो जंप कर रहे हैं निकाल, लेकिन उससे पहले ये फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये रिपेल करेगी इस तरफ, तो इस फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऐसे, एक नहीं ये फील्ड इतनी ज्यादा है इस डी कम होने की वजह से कि सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जिस वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन से पहले ही निकलने शुरू हो जाएंगे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसका ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा, इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और ये होता है एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के आके कोलिजन की वजह से। तो इस केस में ये डायोड खराब नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा हीट निकले नहीं, डायोड यूजफुल है, तो इसको हम बोलते हैं जीनर डायोड, तो काफी यूजफुल है। इसका यूजफुल क्या है,
इसे हम रिवर्स बाइज में भी यूज कर सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज भी एवलांचे से कम होता है, इसमें हीटिंग की वजह से नहीं होता, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो फुल समझ में आएगा आपको। आगे चलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, इसका यूज है जीनर का, कि इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो हमने देखा, इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक बिल बढ़ती जाएगी, तो एक वोल्टेज आने के बाद सेम वोल्टेज पे इस पे इनफाइनाइट करंट फ्लो करने लग गया। मतलब करंट कितना भी बढ़ सकता है इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज होने के बाद, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में। तो हमने यहाँ इनपुट वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और इसके हमने पैरेलल लगा रखा है जीरो डायोड। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने इसको वोल्टेज दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, एक इस पे करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे जितना जब करंट आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जब ये वोल्टेज VZ के बराबर हो जाएगा I इंटू R से, तो जब ये वोल्टेज इसका VZ के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे यहाँ का वोल्टेज अब हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ भी इसके पैरेलल लगा हुआ है, यहाँ वोल्टेज भी सेम होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन के बाद VZ ही रहेगा, VZ से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, VZ से नहीं बढ़ेगा। अगर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पे I R में करंट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि I होता है VZ अपॉन R, तो यहाँ करंट भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब अगर तुम यहाँ से करंट बढ़ा भी दोगे, मान लो यहाँ पे करंट पहले 50 था, यहाँ पे 20 गया, यहाँ पे 30 गया, तो 30 पे हो गया ब्रेकडाउन, तो अब यहाँ पे 20 ही जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज सेम है। और यहाँ पे तुम अगर करंट 200 कर दोगे, तो करंट जो यहाँ पे था वो 20 ही रहेगा, बाकी बचा हुआ करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये वोल्टेज सेम रखता है। इसका मतलब अगर हम इसके पैरल में कितने भी लगा दें, उन सब के पास ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज और करंट दोनों ही कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, बाकी बचा हुआ करंट जीनर से ही फ्लो करेगा। इस तरह से हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो हमने देखा कि हम इस रेजिस्टेंस को कर लेते हैं प्रोटेक्ट, यहाँ पे एक सेम वोल्टेज मेंटेन हो जाता है ब्रेकडाउन के बाद, और जो एक्सेस करंट है वो सारा यहाँ से फ्लो कर जाता है जीनर से, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट जीनर डायोड। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है जेई मेंस का, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं इसके पास। हम देखते हैं रिसेंटली अभी क्वेश्चन आए थे इसके पास, तो हम समझते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहला देखते हैं, ये क्वेश्चन जीनर का नहीं है, जंक्शन का ही है। ये 2015 में आया था ऑनलाइन में। इफ एन बाइज एन पी जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज एन टू पी साइड बिकॉज, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज क्यों करता है? तो हम भी तो पढ़ा ही हमने कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी साइड। तो पहला ऑप्शन है होल्स इन पी साइड अट्रैक्ट देम, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज अक्रॉस जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, ये तो बात की बात है। ये जो होता है करंट, ये होता है ड्रिफ्ट की वजह से फील्ड की, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन रीजन इज मोर देन पी रीजन, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी सही हो गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ से वहाँ ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। और जो दूसरा पॉइंट है, अगर ड्रिफ्ट करंट बोला होता तो ऑप्शन बी सही हो सकता था इसका, तो डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, तो ऑप्शन सी सही हो गया। आगे देखते हैं, फाइंड द करंट इन जीनर डायोड, इसमें करंट निकालना है। तो दे रखा है सर्किट 15 वोल्ट, तो हमें जानते हैं कि VZ कितना, 10 वोल्ट है। तो अगर VZ ये है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, ऑप्शन दे रखे हमारे पास। तो 10 अपॉन 1500 कर दिया हमने, ये आ गया R2 में करंट 10 अपॉन 1500, वो आ गया 6.67 मिली एम्पीयर। अब यहाँ अगर वोल्टेज 10 है, हमने कितना लगा रखा है 15, तो अगर यहाँ 10 वोल्ट आया तो बचा हुआ 5 यहाँ आएगा, तो यहाँ 5 वोल्ट हो गया। तो IR में करंट हो गया 5 अपन 500, ये आ गया 10 मिली एम्पीयर। तो यहाँ पे आ रहा 10, यहाँ पे जा रहा 6.67, जो बचा हुआ है 10 माइनस 6.67 वो 3.3, वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 3.3 ऑप्शन बी से रहेगा इसका। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली आया था अभी। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू डिक्रीज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीनर डायोड विच हैज ए प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस 100 ओम। मतलब जीनर के पास हमने लगा रखा है प्रोटेक्टिव, यहाँ हमने लगा दिया इसे बस बाइजिंग में, एंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन रेंज ऑफ 1 वॉट। मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो है जीनर के पास वो 1 वॉट की है। द मिनिमम वोल्टेज रेंज ऑफ द डीसी सोर्स की, इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए मिनिमम। इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है हमको 1 वोल्ट की। तो हम जानते हैं कि PZ जो होता है वो होता है, 2016 में आया था ऑनलाइन में, 1 वॉट का। और PZ कितना होगा, V इंटू आई। तो V, अगर हमने V लगाया है यहाँ पे, अगर करंट I फ्लो किया, तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा 100 I। तो यहाँ V में से 100 I यहाँ ड्रॉप हो गया, तो बच गया V माइनस 100 I, उसके पास आ गया V माइनस 100 I। IZ फिर से I है, क्योंकि सेम करंट होगा सीरीज में, I हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया आगे,
ब्रैकेट खोल लिया, तो वी आई माइनस 100 आई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको इससे हम ले गए, तो 100 आई स्क्वायर माइनस वी आई प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो आई है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मैथ्स की टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ये टर्म बड़ी होगी तभी आई पॉजिटिव आएगा, तो बी स्क्वायर को पुट कर दिया, ये होता है ए, ये बी, ये सी, तो बी को पुट कर दिया, बी स्क्वायर 4 ए सी या गया 400 इज ग्रेटर दैन 0, तो वी कितना होना चाहिए, वी कम से कम 20 से बड़ा होना चाहिए, ताकि करंट के रूट वो रियल आए, रियल आने चाहिए ना, इमेजिनरी तो नहीं होगा करंट यहाँ पे, तो करंट के रूल रियल रूट तभी आएंगे जब ये वोल्टेज 20 से ज्यादा होगा, ऑप्शन देखते हैं यहाँ 5 के बीच में या 12 के बीच में या 8 के बीच में, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आगे, फिर हमने लगाया एक 9 वोल्ट ये 200 वोल्ट, ये क्वेश्चन भी रिसेंट ईयर का ही है, ये लगा दिया जीनर अपोज में, फिर यहाँ पे ये लगा दिया एक रेजिस्टेंस, हमें निकालना क्या, फाइंड निकालना आई जेड में, तो देखते हैं क्या होगा। अब आई जेड निकालना, हमें वी जेड दे रखा है 5.6, तो वी जेड दे रखा है, तो अगर यहाँ 5.6 है तो यहाँ भी कितना होगा, 5.6 ही होगा, तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं करंट, तो हमने करंट यहाँ 5.6 है तो बचा कितना, तो यहाँ 5.6 अपन 800, ये आ गया 7 मिली एम्पीयर, अगर यहाँ 5.6 है, यहाँ 9 लगा रखा है, तो हम देखिए केवीएल से लूप लगाएं, तो यहाँ अगर 5.6 है तो बचा हुआ 9 में से यहाँ होगा वो कितना होगा, 9 माइनस 5.6 तो कितना आ गया 3.4, 3.4 यहाँ होगा, तो 3.4 अपॉन 200 इक्वल टू आ गया 70 मिली एम्पीयर, तो वो करंट यहाँ होगा, करंट हमने यहाँ का निकाल लिया, यहाँ का निकालना है, तो बाय फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स लॉ, अगर यहाँ पे आई है और आई वन गया तो बचा यहाँ से जाएगा, तो हमने कर दिया आई माइनस आई वन, तो विवेचन ऑफ चार्ज, तो ये था आई 17 मिली एम्पीयर, ये 7 मिली एम्पीयर, तो कितना आ गया 10 मिली एम्पीयर, सही है, इसी की था ये भी, तो इसका जो प्रिंसिपल है ना ये वाला वीजेड वाला, इसके पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये बड़ा काम करना है। VZ 6 वोल्ट इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 10 टू 16 वोल्ट व्हाट इज द मैक्सिमम जीनर करंट कितना होगा, मैक्सिमम जीनर करंट, ये 2019 में आया था ऑनलाइन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन है, तो इस साल था और आपको इस साल भी मिलेगा पक्का, क्योंकि पेपर आप 4-5 होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पेपर है, तो आपको एक दो साल में तो पक्का ही क्वेश्चन मिलने वाला ही है, तो मान लीजिए आप, तो रेजिस्टेंस लगा दिया आर एस, ये आर, ये जीरो लगा दिया, ये आर लगा दिया रिवर्स बाइस में, इसका वोल्टेज कितना 6 है, तो हम यहाँ करंट निकाल सकते हैं 6/4 किलो ओम, सिंपल पहला फंडा ये करना है, तो 6/4 ये कितना आ गया 1.5 मिली एम्पीयर आ गया, हमें निकालना है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम कब होगा जब ये वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है 16, तो 16 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना है वीजेड, वीजेड हमारे पास 6 है, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ 16 लगाया, यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना बच गया 10, तो यहाँ 10 लगा दिया, तो 10 लगा दिया, 10 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम, 10/2 किलो ओम, ये कितना आ गया 5 मिली एम्पीयर, तो यहाँ जो करंट आया वो आया 1.5, यहाँ कितना आया 5, कितना बच गया 5 माइनस 1.5, जैसे केवीएल केसीएल फर्स्ट लॉ, तो 5 माइनस 1.5 कितना बच गया 3.5, वो करंट आ गया, बीसी हो गया, ये क्वेश्चन 19 में आएगा, बहुत बेसिक है, तो उसको आगे देखते हैं हम, आगे इसमें आता है ऑप्टिकल डिवाइसेस, अब हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पर हमारे 3 डिवाइस होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम होते हैं वैसे तो, कुछ ग्राफिकल याद करने वाला है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे जितना आपके काम में है, तो ये पहला डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं, पहले ये देखते हैं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, डायोड्स इन विच कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटोन्स, इसमें जो कैरियर जनरेट हो रहे हैं वो जनरेट हो रहे हैं फोटोन की वजह से, ये फोटोन स्ट्राइक करेगा आगे, तो रीजन है यहाँ पे आके फोटोन ने स्ट्राइक किया, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ईजी ज़्यादा होगी तो जंप करेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएंगे और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो पहला इसमें होता है फोटो डायोड, फोटो में क्या होता है, इन ए फोटो डायोड करंट इज जनरेटेड व्हेन फोटोन्स आर एब्जॉर्ब इन फोटो डायोड, मतलब इस लेयर में फोटोन एब्जॉर्ब हो गए तो जंप करेंगे, अगर एनर्जी मिल गई उनको बैलेंस से कंडक्शन में जाने की तो जंप करेंगे तो करंट फ्लो लग जाएगा, इट इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बाइस, पॉइंट याद रखेंगे इसको, हम रिवर्स बाइस में लगाते हैं, इसका ग्राफ ही है हमारे पास, करंट का वोल्टेज का माइक्रो एम्पीयर में करंट है, तो करंट का वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया, ये दोनों इंटेंसिटी अलग अलग, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, तो जब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट स्ट्राइक करेगी तो ज्यादा करंट होगा, तो ये ग्राफ है जो याद रखना है आप, और ये फोटो डायोड होता है फोटोन की वजह से होता है, और ये रिवर्स बाइस में लगता है, उसके बाद आता है एलईडी,
एलईडी इज अ हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड करते हैं इसको, एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन ऑन रिकम्बिनेशन ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और ये हेवली डोप पीएन जंक्शन है जिसमें करंट फ्लो करता है एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर विद मेजोरिटी कैरियर की वजह से, और इसका जो करेक्टरिस्टिक है वी आई वो डायोड की तरह होता है, सिंपल सिलिकॉन वाले की तरह, मतलब उसमें ऐसे ड्रॉ करके हम ये निकालते हैं ना कि नी वोल्टेज की बात करंट बढ़ता है, तो उसका करेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसा होता है मैंने टॉनिक यहाँ पे, तो याद रखना दिस इज एलईडी। तो इसे लगाते हैं फॉरवर्ड वाइज में जिसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी की वजह से होता है, उसका वी आई करेक्टरिस्टिक सिलिकॉन डायोड के जैसा ही होता है। उसके बाद में आता है सोलर सेल। सोलर सेल इज अ डिवाइस जेट डायरेक्टली कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पहले वैसे ही जो हमें पढ़ा है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ही, इसमें कोई बाइसिंग नहीं करते हैं, वैसे लगा देते हैं, तो ये सोलर सेल है, बाइसिंग कर देंगे तो किस बात का सोलर सेल होगा, वो ये सिस्टम चलता है सोलर सेल। जंक्शन एरिया इज लार्जर फॉर मोर पावर, अगर हमको ज़्यादा पावर चाहिए तो इसका एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना एरिया होगा उतने ज़्यादा ये आके स्ट्राइक करेंगे और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, तो इसकी बाइसिंग नहीं करते और ये लार्जर जितना एरिया उतनी पावर ज़्यादा। इसका ग्राफ है आई वी, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है याद रखना बिल्कुल आपको, ये होता है शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट करंट, ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज वी और ओ सी, ये दो पॉइंट है ये बिल्कुल याद रखना, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा बताने के लिए। फिर पूछेगा ग्राफ कैसा होता है, ऐसे कैसी बाइसिंग करते हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट है बस याद रखने वाले, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन भी आया था रिसेंट ईयर में, तो आइडेंटिफाई करना है हमको, तो पहला ग्राफ ये आई वी किसका होता है, ये होता है डायोड का फॉरवर्ड में, ये किसका होता है, ये डायोड है और ये कैसा है, जीनर डायोड है हमारे पास, ये किसका होता है अभी पढ़ा था हमने रिसेंटली, सोलर सेल का होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, और ये एक कोई डिवाइस है जो इंटेंसिटी ऑफ करंट के साथ वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस उसका, तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है लेकिन बाकी तीन से भी काम हो जाएगा हमारा। पहला डायोड है, दूसरा जीनर है और तीसरा क्या है, सोलर सेल। तो पहला डायोड, जीनर, सोलर सेल, और कोई ऑप्शन अच्छा ही नहीं, तो ऑप्शन वन से इसका। और ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होगा ही क्योंकि इस इंटेंसिटी के साथ रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो दिस इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन ऑप्शन वन से हो गया इसका, ठीक था। तो इन तीनों में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं इसके, और ग्राफ याद रखने, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। इसके यहाँ तीन टर्मिनल होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो एनपीएन में क्या होता है, एन में एक होगा एन, एक होगा पी, एक कह सकते हैं ये एक तरह से इसमें दो डायोड्स हैं एनपी और पीएन। जब हम एनपी और पीएन को पास में सैंडविच करेंगे तो यहाँ बन जाता है एनपीएन, मतलब यहाँ पे पीएन भी बनता है पीएनपी। इसको हम बहुत कम पढ़ेंगे शॉर्टकट में, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसका हमारा मटेरियल है, तो हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे उतना ही जितना हमारे काम का है। तो पहले देखते हैं एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर इज मॉडरेटेड साइज, का साइज बहुत मॉडरेट होता है, डोपिंग हाई होती है क्योंकि एमीटर है तो ज़्यादा करंट फ्लो करना है, डोपिंग हाई, साइज मॉडरेट। फिर बेस की बात करते हैं, बेस इज वेरी थिन, बहुत कम साइज होता है इसका, और लाइटली डोप, डोपिंग बहुत कम होती है। सिंपल कलेक्टर में देखते हैं, कलेक्टर इज इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है और साइज हाई होता है, तो ये तीन पॉइंट याद करने वाले हैं। एमीटर का जो साइज था वो मॉडरेट था, इसका साइज बहुत थिन था, इसका साइज हाईएस्ट था। डोपिंग की बात करें तो डोपिंग हाईएस्ट एमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में, सबसे कम बेस में, और साइज कलेक्टर में ज़्यादा है, और दो हैं एनपीएन पीएनपी। ये इसका डायग्राम है, जैसे हमने डायोड का बनाया था एक ट्रायंगल सा और एक रॉड डंडा, तो वैसे ही हमने इसका बनाया है। तो ये हमारे पास हो गया एनपीएन। एनपीएन में अब यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन, कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे कि एमीटर सारा करंट देगा तो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये काम आएगा आपको करंट की डायरेक्शन लिखने के लिए, याद रखना इसको कि आई हमेशा आई बी प्लस आई सी होगा, और जो आई बी है वो बहुत कम डोपिंग है उसके पास, तो लगभग 2 से लेकर 5% या ऐसे भी कम हो सकता है वो आई का होगा, और आई सी लगभग 95 से 98% होता है एमीटर करंट का, और दोनों का सम मिलके आई ए के बराबर आता है। तो एनपीएन में देख सकते हैं, तो एनपीएन में ये एन ई है, करंट की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, निकाल सकते हैं इसको हम कि एनपीएन में ई है, तो ई में क्या आ जाता है, ई एन है, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो होल में करंट यहाँ आएगा, इसकी वजह से एमीटर में तो करंट यहाँ होगा, करंट यहाँ एमीटर में करंट यहाँ है तो आई बी प्लस आई सी है, तो इसमें ऐसे और आना पड़ेगा इसको, तभी जा पाएगा इधर, दोनों का सम है क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से। मतलब ये पीएनपी है, पीएनपी में मतलब पी में ज़्यादा क्या है, मीटर है, ये देगा होल, देगा होल, देगा होल, देगा तो यहाँ पे करंट भी इधर होगा, तो करंट इधर हो जाएगा, यहाँ पे करंट इधर है तो बाय दिस, तो इन दोनों में करंट, ये करंट नीचे और ये करंट ऊपर होगा, ये कल ड्रा हो गया, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ होगा। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, कुछ बेसिक चीज़ें।
उसके बाद देखते हैं इसमें दो तरह से हम करते हैं इसका कनेक्शन, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमिटर। हालांकि हमारे कोर्स में कॉमन एमिटर ही है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है कि कॉमन एमिटर है। इसमें हमने क्या किया, पी है ये, एन है ये, पी है, हमने कनेक्शन कर दिया इसका। इसे बोल दिया हमने आई, तो यहाँ वोल्टेज ई है, यहाँ वोल्टेज बेस है, तो हमने बोल दिया वी ई बी, इनपुट वोल्टेज है। यहाँ हम लगा दी बैटरी, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक लगा दिया एमीटर जो कलेक्टर करंट नापेगा, ये बेस हो गया, ये बैटरी लगा दी, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये हो गया वी सी बी, आउटपुट वोल्टेज जो कलेक्टर और बेस के बीच में मेजर होगा वी सी बी। यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करें एज एम्पलीफायर, तो अगर हम इनपुट देंगे ये आउटपुट हमको एम्पलीफाइड मिलेगा और इसका फेज डिफरेंस जीरो होगा। याद रखना इसको, कॉमन बेस में फेज डिफरेंस जीरो होता है। हम यहाँ निकालते हैं करंट गेन। करंट गेन मतलब होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट कितना है आई सी, इनपुट कितना है आई ई, तो आई सी अपॉन आई ई इज अल्फा। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, कॉमन बेस में, दिस इज कॉल्ड करंट गेन। यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो होता है, ये दो पॉइंट से कम हो जाएगा आपका। उसके बाद बाइसिंग, ये एमीटर बेस है, एमीटर बेस को हम करते हैं हमेशा फॉरवर्ड बाइस, मतलब पी कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, एन कनेक्ट होगा नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइस। सिमिलरली हम कलेक्टर बेस को करते हैं रिवर्स बाइस, तो पी कनेक्ट होगा नेगेटिव से, एन कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, तो ये होगी बाइसिंग इसकी कॉमन बेस में। आगे चलते हैं कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में हमने क्या किया, ये रहा एमीटर को कर दिया बीच में कॉमन, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस, तो एमीटर कलेक्टर में भी कॉमन है और बेस में भी कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे बेस कॉमन था कलेक्टर में और एमीटर में, तो कनेक्शन कर दिया, यहाँ लगा दिया एमीटर, ये क्या नापेगा, नापेगा आई बी, यहाँ एमीटर लगा दिया क्या नापेगा आई सी, इस वोल्टेज को बोल दिया वी सी, इसको बोल दिया वी बी, ये बेस है, ये एमीटर है, या वी वी बी, ये आर बी, यहाँ वोल्टेज आउटपुट ये वी सी है, ये इनपुट बैटरी, आउटपुट बैटरी, आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ यहाँ देंगे हम आउटपुट, इनपुट बैटरी, इनपुट रेजिस्टेंस। तो उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, शॉर्टकट पर देख रहे हैं इसको पूरा, इससे काम हो जाएगा हमारे पास। तो पहला है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट बिल्कुल डायोड की तरह होता है, स्टार्टिंग में तो ये मान लो एन पी एन है, तो ये डायोड की तरह ही है, तो करंट फ्लो कब तक नहीं करेगा, जब तक ये 0.7 ज़्यादा नहीं होगा, तो करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा इसका, लेकिन नी वोल्टेज के बाद करंट इसमें बढ़ लग जाएगा, तो करंट बढ़ गया इसका। इसमें हम क्या रखते हैं, आउटपुट वोल्टेज रखते हैं कॉन्स्टेंट, इसको वेरी नहीं करते, खाली इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट वेरी करते हैं, तो करंट बढ़ लग गया नी वोल्टेज के बाद, वी सी कॉन्स्टेंट था इसका। तो इससे हम इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आर आई, वो कितना होगा डेल्टा वी आई, क्योंकि किसी पॉइंट पे निकालना आसान नहीं है, तो वेरी कर रहा है इसने इसका लगाता है, तो हमने दो पॉइंट के वोल्टेज को कॉरस्पॉन्डिंग बोल दिया डेल्टा वी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट था उसको बोल दिया डेल्टा आई बी, और हमने आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखना है, रखा है यहाँ पे, याद रखना इसको। तो इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू इनपुट वोल्टेज डिफरेंस अपॉन इनपुट करंट डिफरेंस, जो आई बी है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट में क्या करते हैं, हम आउटपुट करंट जो आई सी था, आउटपुट वोल्टेज कितना था वी सी, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को मेजर किया। ये करंट हमने मेजर किया, तो करंट ये एक्चुअल में ये माइक्रो एम्पियर है, दिस इज माइक्रो एम्पियर, तो करंट कुछ ऐसा ग्राफ आया इसका। जब इनपुट इसमें हमने क्या रखा, पिछले केस में हमने रखा था आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट, हमने इनपुट को वेरी किया। अगले केस में हमने क्या किया, आउटपुट को निकाला, तो हम ये भी माइक्रो में, तो हमने यहाँ पे इनपुट करंट कॉन्स्टेंट रखा आई बी, तो जब 10 किया तो करंट इतना आया, बढ़ेगा ही, जब 20 किया तो करंट बढ़ गया जाके, जब 30 किया तो करंट जाके बढ़ गया, बाद में जाके करंट स्टार्टिंग में बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, करंट जाके हो गया सैचुरेट, हो गई कुछ टाइम बाद, क्योंकि जब वो डायोड फॉरवर्डाइज हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने थे हो जाएंगे, उसके बाद जाके करंट हो जाएगा सैचुरेट। हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम बस शॉर्टकट देख रहे हैं, ग्राफ याद रखना। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, आर आर आउटपुट इक्वल टू डेल्टा वी सी, आउटपुट का डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का, और इनपुट का डेल्टा आई सी, जो उसका डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, वोल्टेज करंट डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इनपुट करंट कॉन्स्टेंट रखते हैं, याद रखना, उसमें हमने इनपुट में आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखा था। यहाँ पे सिमिलरली हम निकालते हैं करंट गेन, करंट गेन सिंपल, फिर से बीटा, यहाँ बोलते हैं बीटा, वहां बोलते हैं अल्फा, करंट मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वहां था आई सी अपॉन आई ई, क्योंकि इनपुट में आई ई था, आउटपुट में आई सी था, तो यहाँ पे आउटपुट में तो आई सी है, इनपुट बदल गया, इनपुट में क्या है बेस है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, इसको बोलते हैं बीटा ए सी। सिंपली बीटा डी सी निकाल सकते हैं, इसमें किसी एक पॉइंट का वोल्टेज और करंट करंट रखा होगा आई सी आई बी, तो डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बीटा डी सी। और जब हम इसको एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो इसमें कॉमन एमिटर में जो वोल्टेज होता है वो आता है आउट ऑफ, वोल्टेज तो मिलेगा एम्पलीफाइड, लेकिन वोल्टेज कैसे मिलता है, वोल्टेज मिलता है हमको आउट ऑफ फेज, तो इसका में होता है पाई का डिफरेंस, और कॉमन बेस में होता है कोई डिफरेंस नहीं, जीरो फेज डिफरेंस। तो ये सब टर्म्स हैं आपको याद करने वाले, याद करना है आपको इसमें, एक तो आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन अल्फा, करंट गेन बीटा, और फेज डिफरेंस वहां जीरो था, यहाँ पाई। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं एज ए स्विच या एम्पलीफायर, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट में देखते हैं इसको भी। तो और जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे,
इसके क्रॉस वो कितना मिलेगा, ये है VCC, ये है RC, तो यहाँ करंट अगर जा रहा है ICRC, ये VCC है, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा VCC माइनस ICRC। ये क्वेश्चन याद रखना, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC आउटपुट बैटरी माइनस ICRC, जितना वहाँ ड्रॉप होगा उतना वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब करंट बहुत कम होता है इनपुट में तो करंट फ्लो करता नहीं है, तो ये IC जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो IC जीरो होगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, VCC मिल गया मैक्सिमम VCC, इसे बोलते हैं कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ में अभी करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो IC तो होगा ही नहीं, जब मीटर में बेस में करंट नहीं है तो यहाँ करंट कहाँ से आएगा आउटपुट में, तो ये सारा करंट तो मीटर ही दे रहा है तो यहाँ करंट तो है ही नहीं, तो IC जीरो होगा तो आउटपुट आ जाएगा V0, तो V0 आ गया, मैक्सिमम कट ऑफ बोलते हैं इसको क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसे बोलते हैं स्विच ऑफ, यहाँ पे करंट स्विच ऑफ है, फ्लो नहीं करता करंट। उसके बाद जैसे ही करंट बढ़ना शुरू होता है वहां से वो डायोड इनपुट में अपने नी वोल्टेज को पार करता है तो करंट फ्लो स्टार्ट होता है, तो करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक्टिव, क्योंकि तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर अपना काम करता है एक्टिव रीजन की तरह, तो काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद जैसे करंट बढ़ जाएगा फिर करंट जाके कैसा हो जाता है आउटपुट में, देखा था हमने करंट जाके आउटपुट में हो जाता है सैचुरेट, उस टाइम बाद सैचुरेट हो जाएगा तो जाके ये वोल्टेज लगभग बहुत कम हो जाएगा, कम होता जाएगा तो वोल्टेज लगभग ये जाके जीरो हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, तो अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को इस पहले और इसमें प्ले करें, एक्टिव रीजन बहुत कम हो तो काम करता है एज ए स्विच, स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन। अगर हम इसको एक्टिव में यूज करें तो ये काम करता है अपना बेसिक, वो काम कैसे होता है, एज ए एम्पलीफायर। तो इफ ए ट्रांजिस्टर इज यूज इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन स्टेट इट एक्ट एज ए स्विच, तो ये काम करेगा स्विच की तरह, फर्स्ट थर्ड में करें तो यहाँ पे ऑफ यहाँ पे ऑन। इफ ट्रांजिस्टर इज यूज इन एक्टिव रीजन इट एक्ट एज ए एम्पलीफायर, अगर हम एक्टिव में यूज करें तो काम करता है एज ए एम्पलीफायर, ये पॉइंट याद रखना है आपको, आ सकता है अभी तक नहीं आया है कुछ भी लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है इसमें वोल्टेज गेन क्या होता है, जैसे हमने करंट गेन निकाला वोल्टेज गेन भी हो जाएगा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन कितना है बीटा, रेजिस्टेंस गेन कितना RC अपन RB, तो बीटा इंटू RC बाय RB। सिमिलरली उसमें पावर गेन निकाल सकते हैं, करंट गेन का स्क्वायर I² होता है इंटू रेजिस्टेंस गेन, तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, तो इतनी थ्योरी है हमारे पास इस एम्पलीफायर में, उसके बेस पे हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो बहुत ईजी होंगे। तो पहला देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन 2017 में आया था मेंस में। इन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ए NPN ट्रांजिस्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज, इनपुट आउटपुट वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखा था कि कॉमन एमिटर में कितना फेज डिफरेंस था, इनपुट पाई था 180। इन ए कॉमन एमिटर अल्फा एंड बीटा हैव देयर यूजुअल मीनिंग, द इनकरेक्ट रिलेशन इज, अल्फा बीटा क्या क्या होता है तो जानते हैं, अल्फा कितना होता है, अल्फा होता है IC/IE आउटपुट बाय इनपुट, और बीटा होता है IC/IB आउटपुट बाय इनपुट। कॉमन एमिटर में हम देख सकते हैं कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एलिमिनेट कर लिया IE को, यहाँ से IC/अल्फा पुट कर दिया, यहाँ से हमने एलिमिनेट कर लिया IB को, IC/बीटा सबको कर दिया IC के टर्म में, तो IC कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर IC आएगा, IC कैंसिल, तो 1/α प्लस 1/β इक्वल टू 1, तो उससे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो ऑप्शन देखने जाए इसमें तो ऑप्शन है, इसमें एक तो ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, पहला नहीं है ऑप्शन, इसका 2 ऑप्शन है, और ऑप्शन इसका इसने बोला इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 4 सही है, तो ये दोनों हो गए इनकरेक्ट, तो 2 ऑप्शन सही थे, जैसे 16 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बोनस वाला, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए थे, ये दोनों सिमिलर ही है, तो ऑप्शन ये सही है, इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन पहला। उसके बाद देखते हैं इन कॉमन एमिटर बिल्ट यूजिंग NPN, बीटा रखा है हमको 250, RC दे रखा है 1 किलो, VCC दे रखा है आउटपुट वोल्टेज बैटरी का, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट फॉर VCE रिच सैचुरेशन, मतलब VCE जो आउटपुट है वो कैसा पहुंच जाए सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब क्या है कि हमने पढ़ देखा था अभी जो V0 होता है वो कितना होता है VCC माइनस RC, और सैचुरेशन में जो करंट होता है वोल्टेज आउटपुट कितना होता है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जब आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा VCE, तो VCE इक्वल टू VCC माइनस RC, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, तो उससे हम IC निकाल सकते हैं, यहाँ पे केवल लगा के VCC माइनस ICRC यहाँ जीरो हो गया इक्वल टू जीरो, तो इससे निकल गया 10 mA, ये आ गया IC। बीटा देखते हैं बीटा क्या होता है, बीटा होता है IC, हमें निकालना क्या है मिनिमम बेस करंट, तो बीटा होता है IC/IB, मैं दे रखा है बीटा, हम IC निकाल चुके हैं, तो IB आ जाएगा IC / IB,
आईसी 10 मिली एम्पियर है, बीटा 250 है, पुट कर दिया ये आ गया 40 माइक्रोन का। तो जितना लिखवाया हमने ये क्वेश्चन भी उस पर बेस्ड था 19 में, तो इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे जितना हमने पढ़ा अभी तक। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद 1 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है आउटपुट का, वीबी ये इनपुट है 10 मिली वोल्ट, एंड प्रोड्यूसेस डेल्टा आईसी ये आउटपुट फिर से 3 मिली एम्पीयर, एंड डेल्टा ये इनपुट है 15 मिली एम्पीयर। फाइंड द रेजिस्टेंस गेन एंड द वोल्टेज गेन, तो रेजिस्टेंस गेन निकालते हैं पहले, तो रेजिस्टेंस गेन क्या हो सकता है हमारे पास, इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है हमको, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, वी इनपुट इक्वल टू आर इनपुट इनटू आई इनपुट। तो हमने देखा कि जो वी बी था कॉमन एमिटर में, वहां पे बेस एमिटर होता है इनपुट में, तो वी बी है इनपुट वोल्टेज 10 मिली एम्पीयर, आर इनपुट हमें नहीं पता निकालना ही है, और जो इनपुट करंट है बेस होता है इनपुट में, तो इनपुट में बेस है तो पुट कर दिया 15 मिली एम्पीयर, पुट आर इनपुट निकल गया, वो कितना आ गया 0.7, 10/15 मतलब 2/3, तो ये आ गया 0.67 किलो ओम, वो निकल गया इनपुट रेजिस्टेंस, ऑप्शन एक और दो में से हो सकता है कोई ऑप्शन। उसके बाद निकालना है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जानते हैं क्या होता है, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन कितना होता है डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपको याद रखना है इसमें कि आउटपुट में क्या, इनपुट में क्या कॉमन एमिटर में, तो यूजफुल है एमिटर बीच में कॉमन है, आउटपुट में कलेक्टर है, पीछे बेस है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट डेल्टा आई सी 3, इनपुट है 15, इसे पुट कर देंगे, और आर ओ बाय आर आई दोनों पुट कर देंगे, हमें पता है आर आउटपुट कितना है, आर आउटपुट दे रखा है हमको 1 किलो ओम, और इनपुट हम निकाल चुके हैं इतना, तो इन दोनों पुट कर देंगे, तो सब मिला के सॉल्व करके आ जाएगा 300, तो ऑप्शन 1 से हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही है, अभी वोल्टेज गेन निकालना है, इनपुट निकालना है तो आर इनपुट आर इन आई इनपुट, ऐसे आउटपुट निकालना होता है तो आर आउटपुट वी आउटपुट, वोल्टेज गेन निकालना है तो करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन निकालना है तो करंट का स्क्वायर गेन इनटू आर आउट गेन रेजिस्टेंस गेन, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही है सारे। उसके बाद ये क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन आया था पहले, द करंट गेन इन एमीटर दे रखा है हमको, कॉमन एमीटर अल्फा बीटा दे रखा है आई सी बाय आई बी, द एमीटर करंट दे रखा है हमको, कलेक्टर करंट निकालना, बिल्कुल फॉर्मूला बेस फिर से, आई सी बाय आई बी दे रखा है और हमको आई ई दे रखा है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं आई बी को आई ई माइनस आई सी इस फॉर्मूले से, क्योंकि हम जानते हैं आई ई होता है आई सी प्लस आई बी, पुट कर दिया हमने, इसको रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ से, तो ये आ गया आई ई बाय आई सी माइनस बी, आई बाई सी निकाल लिया इधर ले आके, बीटा की वैल्यू पुट कर दी 69, और हमें आई ई पता है, और निकालना क्या है आई सी निकालना है, आई पुट कर दिया तो आई सी आ गया बीटा आई ई अपॉन बीटा प्लस 1, सब पुट कर दिया तो वो आ गया 6.9 मिली एम्पीयर, ऑप्शन बी सी, तो उसमें चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी सी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है अभी। उसके बाद ये क्वेश्चन 2018 में आया था, इन कॉमन एमिटर आर लोड आर बी इनपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये बेस एमिटर है तो इनपुट हो गया, अगर दे भी रखा तब भी देख सकते हैं आप कि बेस एमिटर तो इनपुट है, कलेक्टर एमिटर है तो आउटपुट है, लोड रखा होगा, द वोल्टेज एंड करंट गेन, अब वोल्टेज गेन जानते हैं, वोल्टेज गेन कितना होता है करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, इनपुट रेजिस्टेंस वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले तो देखते हैं वोल्टेज गेन कितना है, तो यहां पे एक टर्म मिसिंग है, वोल्टेज गेन करंट गेन भी आएगा यहां पे, तो वोल्टेज गेन कितना होता है करंट गेन बीटा अपॉन रेजिस्टेंस गेन, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, तो ये हो गया फिर वोल्टेज गेन, जनरली इसके बीच में करंट गेन में आएगा, करंट गेन कितना होगा आउटपुट वोल्टेज करंट डेल्टा आई सी, इनपुट कितना है बेस, तो ये करंट गेन हो गया। सिमिलरली पावर गेन निकालना है, पावर गेन कितना होगा करंट गेन का स्क्वायर आई स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, तो ये हो गया ऑप्शन बी सी, और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन बी सी बिल्कुल सेम है, करंट गेन आउटपुट करंट इनपुट करंट, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, पावर गेन आई स्क्वायर आई के बदले बीटा, 2018 में आया था ऑनलाइन, ईजी है। तो सारे क्वेश्चन ही बहुत ईजी है, बस आपको ये थ्योरी अंग से करनी है, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेना, डेफिनेटली आप इस साल या आर्काइव के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। एन अननोन ट्रांजिस्टर नीड टू बी आइडेंटिफाइड एज एनपीएन और पीएनपी, आइडेंटिफाई करना है एनपीएन या पीएनपी, ए मल्टीमीटर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर, हमें टर्मिनल के ट्रांजिस्टर के बीच में रेजिस्टेंस नापना है। If the terminal 2 is base, terminal 2 base है, ठीक है, तो which is correct for PNP दे रखा है हमको, PNP के लिए क्या होगा, तो अगर हमने देखा हम करें अगर terminal 2 को positive और terminal 3 को negative, मतलब हमने N को कर दिया positive और P को कर दिया negative, तो कैसा हो गया, reverse bias हो गया, क्योंकि terminal 2 ये
और जो रिवर्स बाइसमराइजेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिएक्शन में कम हो रहा है, ये कब होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइसिंग होता है जब करें P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, यहाँ तो उल्टा हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे टू वाले को कर दिया पॉजिटिव से और थ्री वाले को कर दिया नेगेटिव से, मतलब N को पॉजिटिव P को नेगेटिव, तो रिवर्स बाइस है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन टू देखते हैं, पॉजिटिव टू इज कनेक्टेड टू टर्मिनल टू, तो पॉजिटिव कर दिया टर्मिनल टू से, मतलब N को कर दिया टू से, और वन मतलब P को कर दिया वन से, तो हमने यहाँ पे फिर से कर दिया रिवर्स बाइस, फिर उसमें क्या होता है रिएक्शन बढ़ जाता है, रिएक्शन बढ़ गया, ऑप्शन बी सी हो गया, ऑप्शन बी सी हो गया। तो हम जानते हैं हमने यूज किया कि कॉमन बेस एमिटर बेस सर्किट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस इज ऑलवेज रिवर्स बाइस, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस में काम आ सकता है या डायग्राम में काम आ सकता है, तो इतनी ही थ्योरी काफ़ी है क्वेश्चंस करने के लिए, जिससे होपफुली आप इस बार या क्वेश्चन सारे कर पाएंगे जेई मेंस के लिए। और उसके बाद इसमें आता है लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स एक और टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस लेंगे तो हर ब्रांच में पढ़ेंगे तो देख सकते हैं इसको हम। तो इसमें पहला है और गेट, लॉजिक गेट, और गेट में सिंबल ऐसा होता है, इस बार भी क्वेश्चन इसे दो तीन आए थे 19 में, तो होपफुली इस बार भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये और गेट है, ए और बी लगा दिया इनपुट में, आउटपुट मिला दोनों का सम ए प्लस, तो इसकी होती है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल मतलब इसकी एक टेबल है जिसमें हम इनपुट आउटपुट ड्रॉ करते हैं, तो जब दोनों जीरो हैं तो जीरो, जीरो वन पे ऐड हो रहा है तो वन, वन वन पे जीरो, और वन वन पे टू नहीं होगा, वन ही होगा क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी में टू कुछ नहीं होता, तो कुछ वन होता है हाई या लो, वन वन ऐड कर दिया वन हो गया। सिमिलरली एन गेट है, एन गेट में हमने सिंबल कैसा होता है, सिंबल याद रखना आपको, और इसका आउटपुट होता है ए इंटू बी, दोनों का सम प्रोडक्ट, तो हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू बी, तो जीरो जीरो बन गया जीरो, जीरो वन मल्टीप्लाई कर दो जीरो, वन जीरो जीरो और वन वन से वन, समझिए और गेट है, और गेट में मतलब और ये नॉट गेट है, सॉरी एन ओ टी नॉट आएगा यहाँ पे। नॉट गेट में क्या होता है, एक सिंबल कैसा होता है, आगे नॉट लगा होता है, इसमें जो इनपुट दोगे उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब अगर तुम जीरो दोगे तो वन मिल जाएगा, वन दोगे तो जीरो मिल जाएगा। नॉट में आगे नॉट लगा होता है, ये नॉट गेट है, और नहीं आगे भी देखते हैं नॉर, नॉर मतलब और प्लस नॉट, और प्लस नॉट इज नॉर, नॉट लगा दिया, अगर नॉट लगा मतलब ये आउटपुट को रिवर्स करने वाला है, याद रखना आपको। तो दो लगा दिए हमने, ए प्लस बी मिलेगा और से, उसको बार कर देगा ये, हो जाएगा नॉट, ए जीरो जीरो पुट किया, जीरो जीरो पे और क्या देता है ऐड कर देता है, तो ये देगा वन, लेकिन नॉट लगा है तो जीरो कर देगा, जीरो जीरो पे जीरो देगा, नॉट लगा हुआ है तो वन कर देगा उसको। सिमिलरली देंगे जीरो वन, जीरो वन पे और लगाया तो ऐड करके वन देगा तो जीरो आ जाएगा, वन जीरो पे वन जीरो दिया फिर से वन देगा, नॉट लगाया तो वन जीरो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सिमिलरली ये वन वन है तो वन वन पुट किया, वन वन पे और ऐड कर देगा तो वन, और वन को हम नॉट लगा दिया तो ये भी हो जाएगा जीरो। सिमिलरली हम नैंड का भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, नैंड का मतलब एंड प्लस नॉट, तो हमने कर दिया इसको दोनों मल्टीप्लाई, ऊपर बार लग गया इसके ए डॉट बी का बार, तो जीरो जीरो वन और वन वन, फिर वन वन एंड हो गया, जीरो 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 हो गया था और नॉट हो गया तो वन हो गया, ऐसे जीरो वन मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो हो गया, बार ले लिया तो वन हो गया, वन जीरो फिर से मल्टीप्लाई जीरो तो वन बन गया, वन 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 था तो जीरो बन गया। ये सारे सिंबल हैं, आप याद रखें कि और में ऐड होता है, एन में मल्टीप्लाई होता है, और नॉट में ये नॉट है, नॉट में बार अपोजिट होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम नॉर में ड्रॉ कर सकते हैं। ये पांच ट्रुथ टेबल है, इन ट्रुथ टेबल की हेल्प से ही सिंपल इतनी थ्योरी है लॉजिक गेट्स की, आप इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 19 में आए थे, हम दोनों चेक कर लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें आपको डायरेक्ट कोई गेट नहीं दिया होता, हमको यहाँ पे दो चार गेट मिक्स दिए होते हैं, तो हमें करना क्या होता है, हमको ट्रुथ टेबल चेक करनी होती है या फिर कोई ग्राफ रखा होता है ड्रॉ करना होता है, हम देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला ये, और पहले पहचानना है ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, ये कौन सा गेट है, ये एंड प्लस नॉट है, ये नैंड गेट है। तो हमने इनपुट दिया ए को दबा दे दिया हमने यहाँ ले आके, तो जब चेक करना है ऑप्शन, तो हमारा चार ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ चेक कैसे करना है। जब हम देंगे जीरो जीरो, तो जीरो जीरो दोगे तो जीरो जीरो ये क्या कर देगा, वन, यहाँ मिल जाएगा वन आपको, और ये जीरो उठ के यहाँ गया तो वन जीरो, वन जीरो पे एंड क्या करता है मल्टीप्लाई, तो वन जीरो कर देगा एंड जीरो, लेकिन नॉट लगाया तो वन मिल जाएगा, तो जीरो वन तो वन मिलेगा। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आगे चलते हैं। उसके अलावा पुट करोगे जीरो वन, तो जब जीरो वन पुट करोगे तो जीरो वन, तो जीरो वन पे ये और है तो और क्या कर देगा एड, ये दे देगा वन, और यहाँ से क्या जीरो, तो वन जीरो फिर से कितना हो गया, वन जीरो एंड है मल्टीप्लाई, तो वन जीरो जीरो
और नॉट लगा हुआ है तो वन कर देगा उसको रेसिप्रोकल, तो वन आ गया, तो जीरो वन तो फिर से वन आ गया, तो ऑप्शन बी भी हो गया। फिर से ये ऑप्शन लिमिट हो गया, ये भी लिमिट हो गया, बस ऑप्शन थ्री और फोर बचे। आगे देखते हैं, जब पुट कर देंगे वन जीरो, तो वन जीरो पे ये और है, ये वन कर देगा और यहाँ से वन गया, तो वन 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 क्या देगा, ये वन वन देगा जीरो, वन वन देगा वन, और नॉट लगाए तो देगा आगे जीरो, जीरो हो गया। इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल प्लॉट कर सकते हैं, बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो सिंपल, जो भी दे रखे हो ये जीरो वन, उनको पुट करो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो गेट होगा उसका आउटपुट लिखो, फिर फर्दर फिर लगाओ और आउटपुट ड्रॉ करो, बहुत ईजी है, बहुत ऑप्शन हो जाएगा इसका। लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, जब जीरो दोगे, जीरो दोगे तो नॉट है ये वन देगा, जब जीरो दोगे तो नॉट है ये वन देगा, तो जीरो जीरो पे यहाँ क्या है, वन वन, वन वन दिया एंड है, क्या कर दिया इसने मल्टीप्लाई, एंड कर देगा मल्टीप्लाई, तो वन हो गया, लेकिन मिला क्या जीरो, मतलब जीरो जीरो पे क्या मिल गया यहाँ से, जीरो दिया फाइनली क्या मिला, जीरो ही मिला। फिर देते हैं इसको जीरो वन, तो जीरो दोगे तो यहाँ वन मिलेगा, और यहाँ पे वन दोगे तो यहाँ जीरो मिलेगा, तो वन जीरो हो गया, वन जीरो दिया इसको हमने, वन जीरो देंगे तो ये एंड मल्टीप्लाई कर देगा, तो वन जीरो हो जाएगा जीरो, तो जीरो कम मिल जाएगा वन, तो वन मिल गया। ऐसे ये बाकी भी चेक कर सकते हो इसको, तो ये निकल के हमने देखा जीरो जीरो पे जीरो आ गया, जीरो वन पे वन आ गया, वन जीरो पे वन आ गया, वन वन पे वन आ गया, तो कैसा होता है, दोनों का सम हो रहा है, तो ये और गेट हो गया ऑप्शन, ये भी 2019 में आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके लिए क्वेश्चन 200, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने कुछ लिए जिससे हमारा काम हो जाए। उसके लिए चार इनपुट दे रखे हमको, ए बी सी डी, हमको ड्रॉ करना आउटपुट, ड्रॉ दे रखा है एक्चुअली, चेक करना गेट कौन सा है। तो जब ये इसका मतलब होता है लो, लो मतलब जीरो, ऊपर गया हाई, हाई मतलब वन, मतलब ये जीरो ये वन, फिर जीरो फिर वन, फिर जीरो, जीरो फिर वन, ऐसे ये पूरा जीरो फिर यहाँ पे वन, आउटपुट जीरो फिर बाद में वन हो गया, लगातार वन ही चला, मतलब देखते हैं क्या इसका, जीरो जीरो दियो जीरो तो जीरो हो गया, वन दिया ये तीनों जीरो तो वन हो गया, फिर जीरो वन जीरो जीरो तो वन हो गया, मतलब हमने देखा कि अगर एक भी वन है तो उसका आउटपुट वन ही आ रहा है, क्या मतलब, कैसे गेट होगा, फिर से और गेट होगा, क्वेश्चन 2017 में आया था, हो गया डायरेक्टली। आगे देखते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन 2016 में आया था ऑनलाइन में, ये और गेट है ये एंड गेट है, पहले तो ये पहचानना है, दो इनपुट दिए यहाँ पे, इसका आउटपुट हमने कनेक्ट कर दिया एंड से और सी को भी जोड़ दिया, इससे मिल गया आउटपुट, तो चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप चेक कर लेना, मैं सीधा ऑप्शन देख लेता हूँ, तो ऑप्शन देखते हैं ये वाला, हमें चाहिए आउटपुट वन, आउटपुट वन कब मिलेगा, तो जब हम वन देंगे और जीरो देंगे, तो वन जीरो दिया तो वन जीरो दोगे तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा वन, तो यहाँ मिल गया वन, और सी से भी कितना आ रहा है वन, दोनों जगह से वन आया, एंड है क्या कर देगा मल्टीप्लाई, तो वन वन कितना हो जाएगा वन, तो वन मिल जाएगा, वन मिल गया आपको, तो ऑप्शन इसका टू सही हो गया, क्वेश्चन 2016 में आया था। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत इजीली, इतनी थ्योरी है, अब इसी थ्योरी की हेल्प से इस बार के भी क्वेश्चन सारे कर पाएंगे और पिछले सारे प्रीवियस ईयर के आर्काइव से क्वेश्चन कर पाएंगे, और इतना ही है इसमें, और होपफुली आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ये बहुत कंसाइज है, इतना काफ़ी आपके लिए। तो अगर आपको ये पसंद आई सच में तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।